नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स एंड थ्रू दिस वीडियो वी आर ट्राइंग टू रीच आउट यू टू प्रोवाइड यू फुल प्रोफेशनल एग्जाम ओरिएंटेड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इन क्लासेस में जो वीडियोज हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स इंक्लूडिंग ऑल द डिटेल्स वेदर इट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रीलिम्स और मेंस और फॉर द गाइडेंस फॉर द इंटरव्यू। मीन्स इन वीडियोज को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने फ्रॉम यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई से पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन, उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिविजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोज में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू दी एंटायर कोर्स फ्री थ्रू दी यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल अकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। यू प्लीज सी द सेक्शन 134, इट इज व्हाट अरेस्ट अदर देन इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। अरेस्ट अदर देन, प्लीज हेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी दिस इज सेक्शन 134 इज डीलिंग विद द अरेस्ट, बट विच अरेस्ट? दिस इज अरेस्ट अदर देन इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री। एक्चुअली सेक्शन 55, 57 एंड 59, दीज थ्री सेक्शंस 55, 57, 59, दीज सेक्शंस आर डीलिंग विद द प्रोविजन्स रिगार्डिंग अरेस्ट, बट वेन? इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। इसमें क्या मिलेगा आपको कि वेन ए पर्सन मे बी अरेस्टेड एट एनी आर ऑन एनी डे, कब घर में एंट्री कर सकते हैं, ड्वेलिंग हाउस में कब एंट्री नहीं करेंगे, सारे प्रोसीजर दे रखे हैं 55 में। ऐसे ही सबसिस्टेंस अलाउंस हो गया, कब देंगे कब नहीं देंगे, तो उतना ये जो 55, 57, 59 में जो डिटेल्ड रूल्स दिए गए हैं, दोज ऑल रूल्स शैल ऑल्सो बी एप्लीकेबल इन केसेस ऑफ अरेस्ट अदर देन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्रीज। इट मीन्स इसे पढ़ लेते हैं, द प्रोविजन्स ऑफ सेक्शंस 55, 57, 59 शैल अप्लाई एज फॉर मे बी टू ऑल पर्सन्स अरेस्टेड अंडर दिस कोड। इट मीन्स वॉट? आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए सेक्शन 55, 57, 59 दी थ्री सेक्शंस आर डीलिंग विद द अरेस्ट इन एग्जीक्यूशन, ठीक है। एंड वॉट अबाउट द अदर पर्सन्स हु आर अरेस्टेड अदर देन इन द एग्जीक्यूशन प्रोसेस? बिकॉज ऑफ 134 उन सभी व्यक्तियों पर भी 55, 57, 59 के रूल्स अप्लाई हो जाएंगे। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, दीपांशु इज अरेस्टेड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, ही इज ए जजमेंट डेटर, इनके खिलाफ डिग्री पास हुई थी, नाउ ही इज बीइंग अरेस्टेड इन एग्जीक्यूशन, फाइन। मैडम एकता इज बीइंग अरेस्टेड फॉर एनी अदर रीजन, शी इज नॉट अपियरिंग बिफोर द कोर्ट, देयरफॉर एज शी इज अ विटनेस एंड समन्स वर सर्व्ड अपॉन हर, बट शी इज नॉट अपियरिंग बिफोर द कोर्ट, देयर फोर अंडर सेक्शन 32 CPC कोर्ट इशूड ए वॉरंट ऑफ अरेस्ट, शी इज ऑल्सो अरेस्टेड, गॉट इट? नाउ टू पर्सन आर अरेस्टेड, वन इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, वन इन सम अदर प्रोविजन। नाउ अकॉर्डिंग टू 134 सेम रूल्स विल बी एप्लीकेबल अपॉन हर एज अपॉन दीपांशु इन द एग्जीक्यूशन, देर इज नो डिफरेंस। तो इफ यू कैन से 55, 57, 59 रेड विद 134, इनकी वजह से अरेस्ट क्या है, कोई से भी प्रोविजन में हो, अरेस्ट चाहे कोई से भी प्रोविजन में हो, रूल्स आर सेम। प्लीज रेज हैंड, बात समझ आ गई हो तो।
तो 134 का मीनिंग समझ में आया। तो यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि कौन सा सेक्शन ये कहता है बस। एंड सी 133 के भी क्वेश्चन आप देख लीजिए, देख कैसे क्वेश्चन आए हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एंटाइटल्ड टू एग्जेम्पशन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस इन द कोर्ट। ये क्वेश्चन कहाँ का है, 133 बेस्ड हो गया। फॉर्मर इंडियन रूल एग्जेम्प्टेड, चेयरमैन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जेम्प्टेड, मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट एग्जेम्प्टेड, कलेक्टर नॉट एग्जेम्प्टेड। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि यू विल हैव टू लर्न द लिस्ट हु आर एग्जेम्प्टेड। सी द क्वेश्चन, सीपीसी एग्जेम्प्ट्स मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस और नॉट, डज नॉट एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट, हु आर एग्जेम्प्टेड एंड हु आर नॉट एग्जेम्प्टेड। जस्ट सी द क्वेश्चन, एग्जेम्प्शन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस इन द कोर्ट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 133। 132 इज फॉर वॉट, फॉर वुमेन, सर्टेन वुमेन। हु ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस बिफोर कोर्ट, मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ऑल ऑफ द, देख रहे हैं आप, तो कर लेंगे आप। तो दिस इज 132, 133 एंड 134, वेरी सिंपल। लेकिन देखो भैया इसे कहते हैं, देखो तो स्मार्ट लोग क्या करते हैं, स्मार्ट लोग ये करते हैं कि जो आसान आसान सिलेबस है उसको इतना बढ़िया करते हैं कि बस उसमें से कुछ छूटेगा नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मेरिट डिस्टर्ब होती है वो आसान क्वेश्चंस की वजह से ही होती है, और अधिकतर स्टूडेंट इसलिए मार खाते हैं, उनको लगता है कि ये तो कर ही लेंगे, समझे। जैसे कछुए में और उसकी जो रेस का हम लोग सुनते आए, कहानी पढ़ते आए ना, कछुए की और खरगोश की, खरगोश को लगा कि मैं तो दूरी तय कर ही लूँगा, सो जाता हूँ। तो कई बार अधिकतर स्टूडेंट जो जो रिलेटिवली आसान से सेक्शंस होते हैं उसमें खरगोश बन जाते हैं, इन्हें कर लेंगे, और वो मुश्किल वाले प्रोविजन में घुसे रहे हमेशा। देखो मुश्किल वाला क्वेश्चन छूटेगा तो काफ़ी लोगों का छूटेगा, केवल आप ही नहीं होंगे छूटने वाले, लेकिन आसान क्वेश्चन लगभग सभी लोग करके आते हैं। तो इन क्वेश्चंस को मेरी बार बार आपसे इल्तजा है, इन क्वेश्चंस को मत छोड़ना। जहाँ से बाहर जो बता दिया गया, जो हाईलाइट करा दिया गया, इससे बाहर क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं वो कोई भी, ड्यूटी आपकी बनती है करने की। अभी मेरी बातें याद आएंगी आपको एग्जामिनेशन हॉल में। नाउ कम टू सेक्शन 135, अगेन सी द हेडिंग, यू विल सी द क्वेश्चन फ्रॉम हेडिंग इटसेल्फ, एग्जेम्प्शन फ्रॉम अरेस्ट अंडर सिविल प्रोसेस। किसको देखिए, नो जज मजिस्ट्रेट और अदर जुडिशियल ऑफिसर शैल बी लायबल टू अरेस्ट अंडर सिविल प्रोसेस। डोंट फॉरगेट दिस हेडलाइन, दिस हेडलाइन, नोट दिस हेडलाइन, आई एम सेइंग दिस हाईलाइटेड पोर्शन, अंडर सिविल प्रोसेस वी आर डीलिंग विद द एग्जेम्प्शन फ्रॉम अरेस्ट, नॉट अंडर क्रिमिनल प्रोसेस, इट इज अरेस्ट अंडर सिविल प्रोसेस। समझे नहीं समझे आप लोग, नो जज मजिस्ट्रेट और अदर जुडिशियल ऑफिसर शैल बी लायबल टू अरेस्ट अंडर सिविल प्रोसेस वाइल गोइंग टू प्रिजाइडिंग इन और रिटर्निंग फ्रॉम हिज कोर्ट। जब कोर्ट को जा रहे हो, वैन ही इज प्रिजाइडिंग इन एंड वैन ही इज रिटर्निंग फ्रॉम हिज कोर्ट। नाउ प्लीज सी दिस, वॉट इज दिस, नाउ द क्वेश्चन कैसे आएगा, अगेन विच सेक्शन डील्स, विच सेक्शन प्रोवाइड्स दैट नो जज और मजिस्ट्रेट शैल बी अरेस्टेड, है ना। तो सेक्शन 135 आ जाएगा, नंबर वन क्वेश्चन। नंबर टू, हाईलाइट दिस लाइन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेन हिज अरेस्ट इज एग्जेम्प्टेड, नॉट एवरी टाइम, दे हैव स्पेसिफाइड दिस, वाइल ही इज गोइंग टू, यू सी यू कांट फॉरगेट दिस, वाइल गोइंग टू प्रिजाइडिंग इन रिटर्निंग फ्रॉम हिज कोर्ट। तो दीज थ्री वर्ड्स शुड बी हाईलाइटेड बाई यू, राइट पीफ ऑफ प्लिम्स, डोंट फॉरगेट दिस, गॉट इट। सो हु आर एग्जेम्प्टेड, जज मजिस्ट्रेट और अदर जुडिशियल ऑफिसर, कर लेंगे आप लोग। नाउ नेक्स्ट, वेयर एनी मैटर इज पेंडिंग बिफोर ए ट्रिब्यूनल, अगेन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, 135-2, वेयर एनी मैटर इज पेंडिंग बिफोर ए ट्रिब्यूनल, विच ट्रिब्यूनल, यू सी लाइक दिस, वेयर एनी मैटर इज पेंडिंग बिफोर ए ट्रिब्यूनल, विच ट्रिब्यूनल, हैविंग जुरिस्डिक्शन देयर इन और बिलीविंग इन गुड फेथ दैट इट हैज सच जुरिस्डिक्शन। सो देयर इज ए मैटर विच इज पेंडिंग बिफोर ए ट्रिब्यूनल, बिफोर ए कोर्ट, एंड दैट कोर्ट इज ए कोर्ट विच हैविंग जुरिस्डिक्शन और एटलीस्ट यू बिलीव इन गुड फेथ दैट दिस इज ए प्रॉपर कोर्ट।
सही है, तब क्या होगा? The parties there too, please highlight this. Who are exempted? The parties there too, their pleader, muktars, revenue agents and recognized agents and their witnesses acting in obedience to summons. Please देखिए, मैंने बिखरा के लिखा है आपके लिए, इसलिए लिखा है कि ये highlighted portions नहीं है, actually में ये prelims से questions हैं, ये सारे prelims से questions हैं. Who are exempted from this arrest? है ना, देखिए, तो पार्टीज, प्लीडर्स, मुख्तार्स, रिवेन्यू एजेंट्स, रिकॉग्नाइज एजेंट्स, विटनेसेस, कौन से विटनेसेस? एक्टिंग इन ओबीडियंस टू समन्स. दिस इज नॉट ऑल विटनेसेस, विटनेसेस एक्टिंग इन ओबीडियंस टू ए समन्स. घोट दीजिए पूरी तरीके से. Shall be exempt from arrest. These persons shall be exempt from arrest under civil process other than process issued by such tribunal for the contempt of the court. Yes, mean this ko samajhiye, dekhiye. Is line ko samajhiye, aapko bahut sare questions milenge. It means what? These shall be exempt from arrest. Kab? Arrest under civil process other than the process issued contempt of court. It means if the process is issued under the contempt of the court, then there is no exemption from arrest. And then this can be the question of prelims for you. Pass it, Mary. Question aayega ki Dipanshu is the party to a case. Got it? Dipanshu is a party to the case. He is a plaintiff defendant. Fine. Now he has been ordered to be arrested for the contempt of court. So whether there is any exemption from arrest or not? No exemption under the contempt of court. Don't forget this. और जब कभी question आए तो please find out कि contempt process जो issued हुआ है whether it is under contempt or ordinary process में. तो such person shall be exempt from arrest under civil process other than process issued contempt of court. Please raise hand. And then कब? Again, same line, while going to or attending such tribunals for the purpose of such matter and while returning from such tribunal, arrest is being exempted. Their arrest is being exempted in these three matters only. Please highlight this, while going to, attending or while returning. नहीं आई बात समझ में? कर लेंगे नहीं कर लेंगे आप ये? तो पहले केस में किसको था? देखिए, दिस इज 135, थोड़ा रिवीजन कराया था आपको अभी मैं. नो जज, मजिस्ट्रेट और अदर जुडिशियल ऑफिसर. कब एग्जेम्पशन कब है? सिविल प्रोसेस में है, लेकिन कब है? गोइंग टू प्रेजाइडिंग इन रिटर्निंग, जब वो कोर्ट को जा रहा है, जब वो वहां प्रेजाइड कर रहा है और जब वहां से वो वापिस आ रहा है. ठीक है, दिस इज गोइंग टू प्रेजाइडिंग इन और रिटर्निंग फ्रॉम हिज कोर्ट. And again, this exemption is for what? Number two, parties, pleaders, muktars, revenue agents, recognized agents, witnesses, कौन से witnesses? Acting in the obedience of summons. And they are exempted, कब? While going to or attending or while returning from such tribunals. हाँ है ना, कर लेंगे अभी. Now come to third. Nothing in the subsection two shall enable a judgment debtor to claim exemption from the arrest. Technical है थोड़ा सा, समझिए इसको. I read it for you. क्या है ये? Nothing in subsection 2. What is subsection 2? Subsection 2 exempts you from arrest. Exempts parties, agents, witnesses. Shall enable a judgment debtor. Judgment debtor is a person against whom a decree has been passed. You know it. To claim exemption from arrest under an order for immediate execution. समझिए इस बात को, क्या मतलब है इस बात का. सी, इसको आप ऐसे देख लिए. देखिए, नथिंग इन सबसेक्शन टू शैल इनेबल ए जजमेंट डेटर. तो दिस इज एन एक्सेप्शन अगेंस्ट जजमेंट डेटर. जजमेंट डेटर इज द पर्सन अगेंस्ट हुम डिक्री हैज बीन पास. कर पा रहे हो आइडेंटिफाई इसको? है ना. नाउ ऑर्डर हैज बीन पास्ड फॉर द इमीडिएट एग्जीक्यूशन. कोर्ट हैज पास्ड एन ऑर्डर फॉर द इमीडिएट एग्जीक्यूशन. मतलब क्या हुआ?
दीपांशु तुम्हारे खिलाफ एक डिक्री पास हो गई और साथ में कोर्ट ही ऑर्डर कर रही है इन द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स दिस डिक्री शैल बी एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली नाउ यू आर जजमेंट डेटर। तुम्हें अब अरेस्ट करने का नंबर आ गया है, तुम क्लेम कर रहे हो अपनी अरेस्ट को, तो कह रहे नहीं यू आर अ जजमेंट डेटर, यू कैन नॉट क्लेम द एग्जेम्पशन फ्रॉम अरेस्ट अंडर दिस सेक्शन इफ यू आर व्हाट आर द कंडीशंस। नंबर वन, यू आर अ जजमेंट डेटर एंड देयर इज एन ऑर्डर फॉर इमीडिएट एग्जीक्यूशन, देयरफॉर यू कैन नॉट क्लेम द एग्जेम्पशन व्हिच एग्जेम्पशन इज गिवन अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 135 में क्या है, पार्टीज एजेंट विटनेसेस मुख्तार्स रिवेन्यू एजेंट्स है ना, इन सबको एग्जेम्पशन मिली है वाइल गोइंग वाइल अटेंडिंग वाइल टर्निंग फ्रॉम अरेस्ट इन अंडर सिविल प्रोसेस, लेकिन किसको नहीं मिली है, जजमेंट डेटर को नहीं मिली है। आपको कैसे याद करना चाहिए, 132 में क्या है साहब, परदानिशी औरत को पर्सनल एग्जेम्पशन मिली है अपीयरेंस के, ओके 135 में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरीज को मिली हुई है, ठीक है साहब। 134 क्या कहता है कि अरेस्ट से रिलेटेड जितने प्रोविजंस एग्जीक्यूशन वाले हैं 55, 57, 59 वो सारे अदर अरेस्ट में भी एप्लीकेबल होंगे। 135 क्या कहता है, एग्जेम्पशन फ्रॉम अरेस्ट है, किसको अरेस्ट के लिए है, यहाँ पर किसको दे दिया उन्होंने, मजिस्ट्रेट जज मजिस्ट्रेट और कोई भी जुडिशियल ऑफिसर को, कब, जाते हुए आते हुए प्रेजाइड करते हुए, और किसी को भी, हाँ सर पार्टीज को भी है, पार्टीज को है, उनके एजेंट्स को है, उनके लीडर्स को है, और उनको भी है जो विटनेसेस ओबेइंग समन्स हैं उनको भी है, कब है, वाइल गोइंग रिटर्निंग और अटेंडिंग द कोर्ट प्रोसीडिंग्स। अरे यार कोई ऐसा भी है जिसको नहीं है, अरे हाँ है ना, वो है जजमेंट डेटर, जजमेंट डेटर को अरेस्ट कर लेंगे, ना 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 ना, जजमेंट डेटर के लिए भी एक खास बात है, जजमेंट डेटर कैन नॉट क्लेम एग्जेम्पशन ओनली व्हेन व्हेन देयर इज एन ऑर्डर फॉर इमीडिएट एग्जीक्यूशन, डोंट फॉरगेट दिस, इमीडिएट एग्जीक्यूशन, जजमेंट डेटर इमीडिएट एग्जीक्यूशन, जजमेंट डेटर इमीडिएट एग्जीक्यूशन, नहीं यही बात समझ में कर लेंगे अब तो। चीजें मुश्किल लगती हैं चलो समझाने में, एक बार समझ में आए तो फिर हलवा टाइप है, हलवा पूरी खाया जाओ वैसे तो, कहाँ दिक्कत आएगी समझने में, देखो जैसे सेकेंड लेवल में दिक्कत आती है, टेक्निकल चीज़ें हैं दो बार समझना पड़ता है, ये तो बच्चों वाली चीज़ें हैं, मैं करा इसलिए रहा हूँ कि चलो वरना कहेंगे सर ने छुआ भी नहीं। नाउ सो अंडर एन ऑर्डर फॉर इमीडिएट एग्जीक्यूशन और आगे क्या है, ये देखिए कहाँ गया, और अटेंड्स टू शो कॉज व्हाई ही शुड नॉट बी कमिटेड टू प्रिजन इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री। जजमेंट डेटर क्या था, पहला डिग्री कौन सी थी, ये थी इमीडिएट एग्जीक्यूशन की, सेकेंड क्या है, प्लीज हाईलाइट दिस, अटेंड्स टू शो कॉज मतलब ही अपीयर्स बिफोर द कोर्ट, सी ही अपीयर्स बिफोर द कोर्ट व्हाई, कि टू प्रूव हिज स्टैंड, कि व्हाई ही शुड नॉट बी कमिटेड टू प्रिजन, मुझे जेल में क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए, बट कोर्ट कम्स टू द कंक्लूजन नो गो टू जेल, देन ही सेक्स द एग्जेम्पशन, जनाब देखो आई एम द पार्टी टू दिस केस and I am appearing before this court, you see this, attends to show cause why he should not be committed to prison in execution of a decree has been passed against him, that is why he is being called judgment debtor, now there court issued him a notice, ki now why you should not be sent to prison, why you should not be committed to prison in the execution decree, come before the court and explain, he appears, it means he attends to show cause, but court is not satisfied with his version, then court wants to send him to the prison, now he says janab please see the 135, I am the party to the suit and I am attending the court, I should be given exemption from arrest. So, my dear judgment debtor, see the initial line. Nothing in subsection 2 shall enable you. You cannot seek the exemption because of the 135 clause 3 bars you specially. Raise hand up. Now, there is no technicality. See the question. Which section? It is 135 ke liye hai. So, again, which section? Aur jahan jahan se maine highlight karaya hai. When a judgment debtor can be arrested, when a judgment debtor cannot claim exemption,
when a judge can claim exemption from arrest, when a party to the suit can claim exemption. लेकिन इसमें ध्यान रखना, don't forget up in case of parties की cases में, this is, it is also equally very important when matter is pending before a tribunal having jurisdiction therein. If your matter is pending before a court which has no jurisdiction, you cannot claim exemption. Or at least you must have, you will have to prove that you believe in good faith that that particular tribunal or court has such a jurisdiction. So it is also equally important for your prelims exam. नहीं करेंगे आप लोग? कर लेंगे? दोस्तों, एक एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो जितना पढ़ाओगे, जितना शेयर करोगे उतना बढ़ेगा। तो आपकी शेयरिंग में भी आपको दुआएं मिलेंगी। हो सकता है किसी स्टूडेंट का आपके थ्रू भला हो जाए, हमारा चैनल, हमारी वीडियोस, हो सकता है आपके माध्यम से, और हो सकता है वो इंसान जज बन जाए, तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें भी हो जाएगा। इसलिए कम से कम एक बात पर कंजूसी मत कीजिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए इसको, और इसको एक अच्छा सा कमेंट भी लिखिए, शेयर भी कीजिए इसको। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।